तो तुम्हें शहर का सबसे टॉप मोस्ट सबसे टेस्टी डोसा जो मुझे अपने शहर का लगता है सामने ही है भाई, साउथ इंडियन डोसा दो है, इस पर नहीं जाना, हमें जाना साउथ इंडियन वाले पे। तो मतलब ऐसा है कि कोई चीज तुम्हें रोक रही है तो उसका मतलब यह है कि वो चीज तुम्हें रोक रही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ये मैंने फील करा अभी कुछ दिन पहले। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। तो भाई सभी को राम राम और स्वागत है नए व्लॉग में। एनर्जी है नहीं आज, थोड़ी तबीयत डाउन है, पर फिर भी लेके आनी पड़ेगी क्योंकि एनर्जी ना लेगा फिर दो मिनट बोल देंगे कैसा व्लॉग बना रहा गंदा सा रुखा रूखा। सही बता रहा हूँ, आज मेरी हालत है नहीं सुबह से, इसलिए बाहर निकला नहीं था मैं। भाई का ही फोन आया था कुछ आ रहे हो नहीं आ रहे हो बता दो, तो मैंने पहले मना ही कर दिया, बट फिर मुझे लगा कि बाहर नहीं निकलूंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा क्या, तो तुम्हें दिखाने के लिए एक काम की चीज निकला हूं घर से, क्योंकि माता जी ने बोला कि भैया खाना नहीं बना रहे घर में क्योंकि मन नहीं कर रहा बनाने का, तो डोसा खिलवा दे टेस्टी। तो तुम्हें शहर का सबसे टॉप मोस्ट सबसे टेस्टी डोसा जो मुझे अपने शहर का लगता है, वैसे तो बहुत जगह के हैं शहर में अलग अलग जगह के, पर ये वाला जो लौंडा है ना भाई, इसका टेस्ट का तोड़ नहीं है, तो वो दिखा देता हूँ आपको इसी बहाने। मैंने कहा चलो लेके बजाते हैं, और उसके बाद आज है मंगलवार, अच्छे बच्चों की तरह जाना है कहाँ, मंदिर जाना, कौन से वाले पे, सालासर धाम, तो वहां भी जाएंगे तमीज के साथ, फिर पियेंगे गाजर का जूस, सारे काम अच्छे अच्छे करने हैं आज, ठीक है। ये भैया अपना शोल्डर बोर्ड, शहर का सामने एक बाजार लगा है तिब्बती मार्केट, इसका व्लॉग बनाऊंगा मैं कल, यहाँ बहुत तमीज़ के कपड़े मिलते हैं और बहुत सही रेट पे, और इसके सामने ही है भाई साउथ इंडियन डोसा, दो है, इस पर नहीं जाना, हमें जाना साउथ इंडियन वाले पे। पैक तो हो गया, एक दिक्कत है इसकी बस, क्या समय बहुत लगा मेरे, अब इतने समय तो हमारे जो त्यागे जी वेट नहीं करते किसी का, और ना मैं करता, पर क्या है ना कि जब टेस्ट अच्छा हो चुपचाप चुपचाप खड़ा होना पड़ता है, और ये हमेशा होता है इसके यहाँ, तो तब मान लो जब इसके यहाँ एक बंदा है जो काम करता है अपना सब्सक्राइबर है, तब भी साला वेट करना पड़ जाता है, जैसे बहुत लोगों को लगता हुआ ना भाई सब्सक्राइब, हाँ दो ब्रांच छोरी कौन सी है, मंडी वाले आपके भाई के, पर उसमें वाला टेस्ट नहीं है, वो मैंने फील करा है मंडी के पुल उतरते जो मंडी की साइड है जो वहाँ खुला है उसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट इसके आई है, इसलिए चुपचाप वेट करना पड़ता है। बट बात ये हुई कि मुझे और मिस्टर तैयू खानी थी इडली, वो चुकी खत्म, तो हम पहले ये डोसे घर पे पकड़ाते हैं और इडली हम खाएंगे, अब दूसरी बेस्ट जगह ऐसे खाने के लिए वो भी दिखाता हूँ, ऑल तो दिखा चुका हूँ पहले बहुत बार, बट बहुत लोग जो हैं अपने सब्सक्राइबर जुड़े होंगे नए और बोलते भी रहते हैं लोग के दिखाओ दिखाओ मुजफ्फरनगर का फूड दिखाओ फेमस, तो मैंने कहा चलो बीच बीच में दिखाते रहना चाहिए, उसके बाद जाएंगे मंदिर बिना प्याचा खाना खा के। इडली में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपने देखा होगा मैं आपको घर बैठे बैठे पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताता रहता हूँ, तो आज एक और ऐप के बारे में बताने आया हूँ जिसका नाम है ग्रो। तो इस ऐप पर जाकर आप SIP इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो सब कर सकते हो और अपने पैसे से पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन पर जाकर आप कर सकते हो ट्रेडिंग अगर आपको उसकी नॉलेज है तो, और अपने SIP में पैसा डाल सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग आपको दिख जाएंगी इन्वेस्ट करने के लिए, और ये सब करना बहुत ईजी है, आपका फ्री डीमैट अकाउंट इसमें चुटकी में बन जाएगा, और सबसे मेन बात के इस एप्लीकेशन में कोई आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगता। तो अभी के अभी जाओ ग्रो ऐप पे और इन्वेस्ट करो अपने पैसे और पैसे से पैसा बनाओ, क्योंकि आजकल इंडिया में सब ग्रो कर रहे हैं। तो भैया पहले मंदिर ही आ गए, मैंने कहा जब हमारे मुंह से निकल गया कि पहले हम मंदिर जाएंगे फिर हम खाएंगे, होता नहीं, और वैसे हमने रिस्क लिया है, जो मुझे आपको दूसरा दिखाना है आउटलेट वो मंडी में है, अगर वो बंद हो गया खाना खत्म हो गया तो फिर क्या खाएंगे, जब बाबा के दरबार में आए हैं तो बाबा अपना खिला देंगे। उस्ताद जी थोड़ी सी एनर्जी कम है आज, कुछ अगर फालतू बकवास लगे मेरी तो इग्नोर करना कि भाई हाल थोड़ा खराब है आज, वो तो मैं बस आ गया और इसलिए मेरा मन था आने का मेरा आज कि बहुत दिन से मंदिर नहीं गया था मैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ब्लॉग्स में कि भाई सारे काम करने चाहिए, मजे भी करो काम भी करो, घूमना फिरना हमारा गर्दी इसको बोलते हैं वो भी करो, पढ़ाई भी करो, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, और सबसे मेन भगवान के पास टाइम टू टाइम जाते रहो। मैं बहुत दिन से नहीं आया था पता नहीं क्यों, और इनफैक्ट मैं अपने मन में बहुत दिन से बोल रहा था कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, बट पता नहीं ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, ऑल तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिजी था सुपर बिजी कुछ भी नहीं था सच, बट मैं आ ही नहीं पा रहा था। और मैंने एक बात और फील करी कि अगर ऐसा हो रहा है ना कि तुम्हारा मन है जाने का बट तुम जा नहीं पा रहे हो, तो मतलब ऐसा है कि कोई चीज़ तुम्हें रोक रही है तो उसका मतलब यह है कि वो चीज़ तुम्हें रोक रही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ये मैंने फील करा अभी कुछ दिन पहले, तो इसलिए मैंने कहा भाई चलते हैं पहले सीधा मंदिर, और मंदिर है अपना मुजफ्फरनगर में श्री सालासर धाम मंदिर, जो बहुत ही अलग मंदिर है पूरे शहर में पूरे जिले में एक ही है, इसमें हनुमान जी के लगभग लगभग 30 रूप हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ये
ये अंदर से मंदिर। और सबसे मेन बात क्या है इस मंदिर की, जो आप देख पा रहे हो ना ऊपर, जो ये राम 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 लिखा है पंडित जी, कुछ ऐसा है ना कि जो ये राम राम लिखा था तो जब लिखा तो सोच के लिखा था कितने हैं, पर फिर लास्ट में कुछ कितने निकले थे? 1000 एक माला पूरी। जो भी लिखने वाला था वो अपने हिसाब से लिख रहा था। बाद में जब गिना तब पर चला कि भाई ये 108 बार लिखा हुआ है। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है मंदिर के बारे में। बाकी रूप हनुमान जी के यहाँ पे 30 या 32 रुपये पे दिखाऊंगा आपको। और पूरे शहर में, पूरे ज़िले में आसपास सिर्फ एक ऐसा मंदिर है हमारे। तो ये है यहाँ पे हनुमान जी के लगभग 30 रूप जितना मुझे याद है। देखो ये है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से स्टार्ट है। देखो जैसे हो गए लेटे हुए श्री हनुमान जी, नृत्य करते हुए श्री हनुमान जी, कष्ट भजन श्री हनुमान जी, काले श्री हनुमान जी, मावड़ के नंदन हनुमान जी, तो ऐसे करके पूरे मंदिर की चारों तरफ है। आने वाले टाइम में फरवरी में होने वाला है श्री सालासर बालाजी धाम का वार्षिक उत्सव, और इसमें ये स्टार्ट है 13 फरवरी से। 13 को है ध्वज यात्रा, विशाल नगर ब्राह्मण 14 तारीख को, 13 को सुंदरकांड 4 बजे, और 15 को जिस दिन मेरा है जन्मदिन उस दिन है बृहस्पतिवार भंडारा। जिस दिन मेरा वो है जन्मदिन उस दिन भंडारा है, तो अपना सबकी पार्टी मेरी तरफ से, क्योंकि इस बहाने तुम एटलीस्ट भगवान के वहाँ तो आओगे दरबार में। तो खैर मजाक की बात अलग है भाई, किसी को भी आना है तो भाई इस मंदिर में आओ। आपको मैंने अभी से दिखा दिए, मैं तो आऊँगा ही ऑब्वियसली। खैर तो तुम्हें भी आना है तो यहाँ पर आकर थोड़ी शोभा बढ़ाओ मंदिर की, क्योंकि मंदिर की शोभा तभी बढ़ती है जब वहाँ पर भक्त आए। क्यों जी? बिल्कुल सर, काफ़ी लो सा फील हो रहा था और मंदिर जाते ही अब थोड़ा एनर्जी सी आ गई है। बिल्कुल। चलो अब करते हैं पेट पूजा। तो भैया दूसरा खाने का अपना जो फेवरेट स्पॉट है, फेमस स्पॉट, वो है मंडी में श्री गणपति फास्ट फूड्स। और जरा वो देखो बाहर भीड़ गति रहती है, स्कूटी लाइन लगी रहती है, अंदर मुश्किल है कि बैठने की जगह मिले, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड हो, है यहाँ नहीं मिलती जगह कभी भी। और फास्ट सर्विस है भाई, अभी ऑर्डर दिया था जस्ट 5 मिनट पहले ना, सूप चावल भी आ गई, पाव भाजी, ये दोनों तो मेरी फेवरेट है यहाँ की। ये अपने वो है स्टार्टर, इसके बाद होगा डिसाइड खाना क्या है, ये तो अपने बेसिक होते हैं यहाँ के। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि एक तो रेट तो ऐसा मिलेगा कि कोई भी आइटम आपको बहुत उल्ट लगेगा, ओवर प्राइज्ड, उल्टा सस्ता ही है। प्लस हर एक तरह की वैरायटी मिलेगी, साउथ इंडियन, चाइनीज़ पिज्ज़ा भी हो गया, और पास्ता वास्ता, पनीर टिक्का, चाप भी हैं, मोमोज भी हैं, इसमें ये वाला मेन्यू अलग है, तो हर एक आइटम एक छत के नीचे। और आज जगह मिल गई क्योंकि हम थोड़ा लेट आए हैं, और फिर से इडली यहाँ भी नहीं मिली। भगवान, हे भगवान, क्या करवा दिया, हे परमपिता परमेश्वर जगन्नाथन, ये क्या हुआ? 220 रुपए में 3-4 आइटम आए, तैट फेट खाए गए, और अब खाना ऐसा हाल हो गया, टेस्टी इतना होता है खाना, क्या करें। और सूप चाउमीन तो भाई आज कर देता हूँ एक बार डिक्लेयर, कर दे, कर दो, तू कर दे, तूने बोली स्टार्ट करी थी, कर दे, डर मत, डरियो मत किसी से, देवेंद्र की बिल्कुल बेकार होगी तुम्हारी भाई। सही में मैंने देवेंद्र को आज से पहले बहुत बार देखा है, बचपन से खाता आ रहा हूँ, बट बोलना जरूरी इसलिए कि देवेंद्र तक एक बात जाए तो वो अपना चेंज तो करे टेस्ट दोबारा से। भाई सूप चाउमीन में मानता था कि उसकी अच्छी है देवेंद्र की अब तक, पर जो गणपति वाली सूप चाउमीन हो रखी ना आजकल, नेक्स्ट लेवल। आज हमने 3-4 आइटम मंगाए, सबसे बढ़िया हमें सूप चाउमीन लगी। तो देवेंद्र भाई थोड़ा गेम बदलो, अब तुम तो पुराने आदमी, तुम्हारा तो हाथ में ही जादू है भाई जान, बदलो गेम। The next morning. भैया तबीयत खराब तो हो रही थी कल, और रात सा फिर एक और चीज़ हो गई जो मेरे साथ लाइफ में आज तक नहीं हुई। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरी आँख, आपको एक सूजी भी लग रही होगी ये वाली, तो इसके अंदर हो चुकी है स्टाई। स्टाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब पिंपल जो हमारे स्किन पे होता है वो अंदर हो चुका है नीचे की साइड। जब से सो गया हूँ तब से ही सरप्राइज मिला, और बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है इसको, मतलब आँख बंद करने खोलने में, और मन करा के हाथ लगा लूँ बट हाथ लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो बड़ी अजीब चीज है, अभी समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्यों होगा। हल्का सा देख ही लो, अब जब आए हो तो दूर से देख लो, ये देखो दिख रहा होता अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर इसका इलाज किसी को बताओ तो भाई जरूर बताना। बाकी मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊंगा जो मेरे शहर की ऑर्डेंस है, क्योंकि मैं यहीं पर रखा हूँ अभी, कि सोल्जर बोर्ड में एक मार्केट लगी हुई है जहाँ पर गर्म कपड़े मिलते हैं, जो लोग बाहर से आ रखे तिब्बत से, तो बड़े सही कपड़े बेचते हैं। लास्ट ईयर भी हमने लिया था वहाँ से, तो वैसे प्लान तो वहाँ जाने का है अगर ये ज़्यादा ना बढ़ा तो, अगर नहीं बढ़ा तो फिर मैं जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा। वो सब आपको देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। अभी के लिए इस ब्लॉग का इवेंट करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।